साल 2024 कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए, चलिए नजर डालते हैं। उससे पहले स्वागत है आपका धर्म विज्ञान पर, मैं हूँ कीर्ति राजपूत। और स्वभाव की बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातक अपने चिन्ह मछली की ही तरह शांत, बहुत कोमल और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इनका स्वभाव बेहद सहानुभूतिपूर्ण होता है, इस कारण काफी लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये लोग आदर्शवादी दुनिया में रहना पसंद करते हैं, कई बार तो इन्हें कल्पना और तथ्य में भेद करना कठिन हो जाता है। करियर कैसा रहेगा? व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष सामान्य फलदायक रहेगा। द्वादश भाव पर शनि के प्रभाव से आप अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। अप्रैल के बाद कार्य व्यवसाय के लिए समय अनुकूल हो रहा है। सप्तम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि व्यापारिक व्यक्तियों के लिए शुभ है। जो व्यक्ति साझेदारी में कार्य कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। आप शनि की साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगे, इसलिए ज्यादा अच्छे परिणामों के लिए आपको बेहद मेहनत करनी होगी। कई बार आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन साढ़े साती में धैर्य और मेहनत ही आपके सच्चे दोस्त हैं, ये आपको समझना होगा। परिवार, पारिवारिक दृष्टि से वर्ष का आरंभ अच्छा रहेगा। वर्ष आरंभ में द्वितीय गुरु के प्रभाव से आपके परिवार में किसी सदस्य के वृद्धि होने की संभावना है। अप्रैल के बाद भाइयों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। समाज में आपका पराक्रम बना रहेगा, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। केतु के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, आप अकेले रहना चाहेंगे। संतान के लिए वर्ष का आरंभ अनुकूल है। द्वितीय भाव के गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। इस समय के अंतराल में आपके बच्चों के साथ आपका भावनात्मक लगाव भी रहेगा। स्वास्थ्य, राशि के राहु में प्रभाव से आप छोटी मोटी बीमारियों के कारण परेशान हो सकते हैं। यदि पहले से कोई रोग है तो सावधानी बरतें। संतुलित खान पान के साथ साथ दिनचर्या भी अनुशासित रखें। सुबह व्यायाम और योगाभ्यास करें। द्वादश शनि के प्रभाव से यदि कोई बीमारी लंबे समय से आपको परेशान कर रही है तो इसका स्थायी उपचार इस वर्ष मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टि से वर्ष का आरंभ सामान्य रहेगा। द्वितीय स्थान पर गुरु ग्रह के गोचर प्रभाव से आपके धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। अप्रैल के बाद धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी आप धन व्यय करेंगे, जिससे आपको आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। परीक्षा और प्रतियोगिता कैसी रहेगी, चलिए जान लेते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए ये वर्ष सामान्य रहेगा। छठे स्थान पर शनि और गुरु के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल रहेंगे। कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर आप अपनी कार्यशैली सुधार लेंगे। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रभावित हो सकता है, उस समय आपको सफलता प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। उपाय क्या करना है? शनिवार के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और शाम के समय चौमुखी दीपक जलाएं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और संभव हो तो चोला चढ़ाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर।